शास्त्रों में देखेंगे हम विवाह रेखाएं बहुवचन में मिलता है, संतान रेखाएं बहुवचन में मिलना ठीक है, विवाह रेखाएं बहुवचन में खैर बहुत सारे लोगों को दृष्टि में रखकर ए का प्रयोग बहुवचन में किया होगा, विवाह रेखा ही कहिएगा, एक पुरुष के लिए एक स्त्री। क्यों? श्री राम जी का जन्म हमारे देश में हुआ है, श्री राम हमारे हैं, राम कितने पवित्र हैं, तुलसी राके कहत ही निकसत पाप पहाड़, फिर भीतर आवत नहीं देत मकार कवार, स्त्री की छाया तक पैरों पर गिरने नहीं देती थी, स्त्रियों को रात में घूमने की स्वतंत्रता आजादी थी उस समय। रावण का वध हो गया, ऐसी बुरी बात मंडोधरी ने जब सुनी, रात अकेले राम के यहां चलने गई उसे शाप देने के लिए, ताकि सीता भी ऐसी स्थिति प्राप्त करे जो मुझे विधवा की स्थिति प्राप्त हो रही है। राम भी डर गए हैं, मंडोदरी रात अकेले हो, पुरुष थे राक्षस थे, डरने की बात नहीं थी, अकेले आई क्या उसको कुछ नुकसान? नहीं, उस समय का समाज ऐसा था। मंडोदरी जब आ रही थी रोशनी के कारण, चांद की रोशनी समझिए या और कुछ रोशनी समझिए, उसकी छाया पैरों पर गिरने के नौबत आ गई तो कहते हैं कि राम जी अपने पैरों को ऊपर उठाए छाया तक मुझे, कितनी सुंदर भावना थी रामचंद्र जी की। वैसी भावना को रखिएगा, एक पत्ति व्रत, वे हैं श्री राम। जिस देश में श्री राम ने जन्म लिया, जिस देश में सीता ने जन्म लिया, मंडोदर यानी अनुसुया सावित्री, अरे हमारी पवित्र माताओं की कितनी कथाएं नहीं, पतिव्रता की कथाओं को पढ़ेंगे तो हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि हमारी आत्मा भारतीय आत्मा बहुत बड़ी है, इसका गौरव बढ़ाएंगे इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, बीच में कभी तो दुस्वप्न आ जाते हैं, को किसी कारणवश पाश्चात्य का रंग जमकर हो, विदेशों का रंग जमकर हो, नई पीढ़ी में जो है नए विचार आए हैं, फिर पुराने विचार आएंगे, पुरानी सभ्यता, पुराना संस्कार, पुरानी परंपरा, फिर भारतीय आत्मा, स्वागत उसका सुस्वागत करेंगे। विवाह रेखाएं रहने का स्थान एक रहता है, मैंने कहा ये का बहुवचन प्रयोग है, उस स्थान में बहुत सारी रेखाएं होती हैं, इसलिए रेखाएं, वास्तव में पत्नी की रेखा एक ही होती है, अन्य रेखाएं शास्त्र पढ़ते समय समझेंगे आप। तो विवाह रेखाएं कहाँ होती हैं ये समझेंगे पहले। अब देखिएगा, ये जीवन रेखा, ये बुद्धि रेखा, ये हृदय रेखा। अब गृहस्थानों में देखेंगे गुरुस्थान, शनि स्थान, सूर्य स्थान, और ये स्थान है बुध स्थान। हृदय रेखा के कारकों में प्रेम एक है, ममता, भक्ति, प्रेम आदि इनके कारक होते हैं। तो प्रेम इस रेखा का कारक होने के कारण प्रेम की रेखाएं यानी विवाह की रेखाएं यानी जिन व्यक्तियों पर प्रेम रहता है वैसी रेखाएं कहां होती हैं? हृदय के पास ही। तो कहां अंकित करेंगे? बहुत सारे शास्त्रों में विवाह रेखाएं बुध स्थान में, बाहर की ओर से आड़ी रेखाओं के रूप में बुध स्थान में प्रवेशित होती हैं, इतना बताते हैं। जरा सूक्ष्म रूप से भीतर घुसकर देखेंगे कि विवाह रेखाएं वास्तव में होती हैं कहां, तो देखेंगे हम। ये है बुध स्थान, ये है हृदय रेखा,
ये प्रेम का एक कारक है, बहुत सारे कारकों में प्रेम भी एक कारक है। प्रेम के निकटवर्ती रहने की रेखाएं हैं प्रेम रेखाएं, खैर सबको मिलाकर विवाह रेखाएं बोल रहे हैं। शब्दों में सुनने में अंतर मगर लगभग वही है। यहां पत्नी का शब्द जब प्रयोग करेंगे, अर्धांगिनी का शब्द प्रयोग जहां करेंगे, वहां तक अंतर अलग है। हम पर निर्भर होने वाले जीवी भी उनका पोषण कमाना धर्म होने के कारण, पति के रूप में न होकर उसका भार वहने के कारण, भर्ता होने के कारण कारणांतर कितने ही हो सकते हैं, विवाह रेखाएं कहते हैं। मगर वास्तव में विवाह रेखा होती है एक ही। ये भारतीय आत्मा की दृष्टि से मैं कह रहा हूं। क्या अन्य शास्त्रों में पढ़ेंगे, अन्य स्थान अन्य शास्त्रों के प्रभाव से लिखे गए शास्त्रों में देखेंगे, पाश्चात्य का प्रभाव, पौरात्यों का प्रभाव, अन्य देशों का प्रभाव हमारी रेखाओं पर, हमारे शास्त्र पर होने के कारण हमारे शास्त्रों में भी विवाह रेखाएं का प्रयोग कर रहे हैं। होकर भी, जानकर भी, बताते समय विवाह रेखाएं का ही प्रयोग मुझे भी करना पड़ रहा, किंतु मूल अर्थ सीधा अर्थ रेखा से कृपया लीजिएगा। तो यह है बुधस्थान। बुधस्थान में हृदय रेखा के बुध के प्रारंभ अंत यहां तक, इस बीच हाथ के बाहर के स्थान से होकर भीतर आधी रेखाओं के रूप में जो रेखाएं आती है वे प्रेम रेखाएं हैं, विवाह रेखाएं कहते हैं, कल्याण रेखाएं कहते हैं, दाम्पत्य रेखाएं कहते हैं, पाणि ग्रहण रेखन रेखाएं कहते हैं, इनके बहुत सारे नाम हैं। पूरा मिलाकर कारक एक ही है, दाम्पत्य सुख। शब्दों में अंतर लाकर चार पांच कारक बताने पर भी मूल शिष्ट और सही सीधा अर्थ दाम्पत्य सुख से होता है। तो विवाह रेखाओं का अंकन कहां होना चाहिए, हमारे लिखने में नहीं, परमात्मा ने खींचा है, कहां खींचता है उसे, उन लकीरें कहां होती हैं, वे रेखाएं कहां होती हैं। तो बंधु अच्छी तरह से सुनिएगा, तो खड़े रूप से इनको समान रूप से चार भागों में बांटे, एक दो तीन ये चार, चार भागों में बांटिए। चार भागों में से तीन भाग यहां तक लीजिए, यहां तक जो रेखाएं हाथ के बाहर से भीतर आती हैं यहां तक ही, अगर यहां तक हां, यहां तक हां, यहां तक हां, मगर इससे पार न हो, तीन रेखाओं के अंदर ही जो रेखाएं आती हैं वे रेखाएं प्रेम रेखाएं हैं। अरे भाई, प्रेम तो बुआ के साथ होता है, प्रेम तो माता के साथ होता है, पिता के साथ होता है, बहनों के साथ होता है, हर किसी से प्रेम होता है। ये प्रेम और पत्नी के साथ जो प्रेम होता है वो अलग प्रेम होता है। प्रेम सीमित है, विवाह होने का पहले पूरा प्रेम माता पिता पर ही, भाई बहनों पर ही, अपने संबंधियों के साथ ही होता। विवाह होने के बाद उसमें बांटकर पत्नी को देते हैं, बच्चे होने के बाद उस प्रेम में भी बांटकर बच्चों को देते हैं, पोतरे पोतरियां होने पर उसमें बांटकर पोतरों पर पोतरियों पोतरियों पर देते हैं, पोतरियों को पोतरों को हम उपग्रह बोलते हैं, दादा के दाना के अतराव फिरते रहते हैं, वे उनके अतराव फिरते हैं, ये उनके अतराव फिरते हैं, बट पोते आ गए बच्चों को भूल जाते, पत्नी को भूल जाते, सबको भूल जाते, तो उतना प्रेम रहता है, क्योंकि वो आयु जाकर बहुत साल हो गए, उतने छोटे आयु जाकर ये बूढ़े हो जाते हैं। बूढ़े और बच्चों में जो प्रेम होता है आपस में, उसका वर्णन करना तो किसी भाषा की बस की बात नहीं है, किसी भावना की, किस वाक्य की बस की बात नहीं है। प्रेम को बांटना पड़ रहा,
शादी होने के बाद अगर कोई माँ मुझ पर प्रेम घट गया और पत्नी आ गई, गुड़ जैसा लग रही है, बस उसके साथ प्रेम करने लगा और मुझे छोड़ दिया, करके छोड़ता नहीं, प्रेम माता पर भी रहता है। बांटने से मेरे प्रेम को खींच कर ले गई, उस पर देश रखना सास की गलती होती है। ऐसा कभी ना समझे, इस भाव से उसकी निंदा करना, उसका अपमान करना, उसको दुखाना, उसके आंसू से आंसू टपकाना बहुत बड़ी गलती है। बच्चे हो गए समझे, पत्नी पर भी गलती, पत्नी भी कभी, अरे क्या बात, मेरी बात छोड़ी दीजिए, बच्चे 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 के सिवा कुछ नहीं किया दुनिया आपके लिए, नहीं बांध कर दिए। पोते आ गए तो बच्चे भी कभी कभी गरजते हैं पिता पर, अरे पिताजी हमारे हमें तो भूल गए, आप तो कभी कभी लक्ष्मण रेखा खींचते थे, लक्ष्मण रेखा को हम पार करते भी कुछ नहीं कह रहे, बस पोते ही हो गए सब कुछ, पोते सब कुछ होते हैं। प्रेम सीमित है, द्वेष सीमित नहीं है, अपराध सीमित नहीं है, अन्य सीमित नहीं, मगर प्रेम सीमित है कुछ, तो प्रेम को ही बांटना पड़ रहा, ये स्थान को ही प्रेम स्थान बोलते हैं। इतना ही नहीं बंधु, फिर एक कहना चाहता हूं, इसको चार भागों में बांट दिए, एक दो तीन और चौथी, यहां तक आने वाली रेखाएं विवाह रेखाएं, कल्याण रेखाएं, प्रेम रेखाएं, दंपत्य रेखा, कुछ भी कहिएगा, नाना प्रकार के नामों से संबोधित करते। उतना ही नहीं, खड़ी में भी तीन चार भाग कीजिए, एक दो तीन ये चार, चौथा यहां पर, ये चौथा, चार भागों पर, एक दो तीन, यहां तक आने वाली रेखाएं ही विवाह रेखाएं। सही बताना है तो खड़ी में चार रेखाएं, आड़ी में चार चार भाग, तो तीन खड़े में तीन भाग, आड़े में भी तीन भाग, अर्थात यहां तक। ये स्थान ही प्रेम का स्थान है। और फिर ये स्थान क्या होता है, ये बुद्ध का स्थान है, ये कौन सा स्थान, हां बुद्ध का स्थान। अगर यहां कोई चिन्ह या कोई रेखा दिखाई पड़े, वो बुद्ध की रेखा होती है, न कि प्रेम की रेखा है। आड़ी तौर से कह रहा हूं, खड़ी तौर से नहीं, खड़ी रेखाएं यहां होती है तो बुद्ध संबंधी ही होती हैं। रेखाओं को आड़ी रूप में बताने के लिए, स्थान बताने के लिए इस प्रकार खींचना पड़ा, मगर वास्तव में बुद्ध स्थान तीन रेखाएं होती हैं, इसे चिकित्सा योग कहते हैं, शोध कार्य करने की रेखाएं होती हैं, अच्छे वाक चातुर्य की रेखाएं हैं, वाक धोरणी की रेखाएं हैं, शोध बहस करने की, बहुभाषा ज्ञान के कारक होते हैं। खड़ी रेखाओं के बारे में मैंने कह रहा हूं, आड़ी रेखाओं के हद तक की मैं बोल रहा हूं। आड़ी रेखाएं इस सीमा के भीतर जो आती हैं, वे ही विवाह रेखाएं होती हैं, प्रेम रेखाएं होती हैं। प्रेम की रेखाएं कितनी भी क्यों ना हो, एक ही पत्नी होती है, उसमें से जो बड़ी है, सीधी है, सच्ची है, सरल है, समतुल्यता में है और सजीव है, वही पत्नी रेखा। बाकी दो तो तीन रेखाएं जो आ रही हैं, हां विवाह तक आकर छूट जाने का कारण हो सकता है, या नहीं कोई बुआ विधवा है, या किसी के बहन विधवा है, कारण अवश्य, उसके लिए कोई आधार नहीं है, भाई पर आधारित होते हैं, अपने भांजे पर आधारित होते हैं, वे भी आधारित रेखाएं हैं ना, उन पर भी जातक को प्रेम होता है ना, वे रेखाएं भी कभी कभी यहां अंकित होती हैं। इस कारण इन सभी रेखाओं को अलग अलग नाम न देकर एक ही नाम दिया गया कि विवाह रेखाएं, बहुवचन में। यहां बहुवचन के अर्थ बहु पत्नियां इस अर्थ में लीजिए, मत लीजिए कृपया। एक समय एक राजा, क्या हमारे पूरे पुराण के लोग दो दो तीन तीन आठ आठ, अरे रे रे रे, शादियों की कोई संख्या नहीं होती थी, उनकी बात छोड़ दीजिए, वो सुनने के लिए अच्छे लगते हैं, भोगने के लिए नहीं। किंतु आज के जमाने में
भारतीय आत्मा की दृष्टि से अगर सोचेंगे, एक पति के लिए एक पत्नी के लिए एक पति, ये सच्ची बात है। हां, यहां पर क्योंकि अन्य ग्रंथों का, अन्य देशों का प्रभाव हमारे ग्रंथों पर, हमारे शास्त्रों पर पड़ा है, वैसा प्रभाव पड़ने के कारण हमारी रेखा, उनकी संख्या बढ़ गई है, उनके नाम बढ़ गए हैं, उनके फल बढ़ गए हैं, उनके कारक बढ़ गए हैं, जिसके कारण शास्त्र के वैसे विशालता बढ़ गई है। स्वागत है, एक ही रेखा को लेकर, प्राण रेखा, बुद्धि रेखा, बस तीनों रेखाओं को ऊर्ध्व रेखाओं के, भाग्य रेखा, बुध रेखा, सूर्य रेखा, कितने सुंदर नाम दिए गए हैं, ये पाश्चात्य लोगों से दिए गए नाम है, उनके अलग अलग कारण भी बता रहे हैं। सबका मूल धन ही है, मगर व्यापार करने के कारण, नौकरी करने के कारण, प्रारब्ध में होने के कारण अलग अलग कारण बता रहे। अरे भाई, ऐसे विषयों के लिए तो हम प्रणाम करेंगे, मगर ऐसे विषयों के बातों में नहीं। पाश्चात्य शास्त्र के अनुसार अगर यहां तीन रेखाएं हो तो कहते हैं कि तीन पत्नियां हैं, पाश्चात्यों की दृष्टि से। उसका प्रभाव हमारे शास्त्र पर पड़ने के कारण, उसका जो का त्यों का अनुवाद करने के कारण, बस विवाह रेखाएं बहुवचन में करने लगे हम। वास्तव में होती है भारतीयों के लिए एक ही पत्नी, कानून भी स्वीकार नहीं करता है दूसरी पत्नी के लिए, आज की सरकार भी स्वीकार नहीं करती है, उसके लिए दंड दिया जाता है। डाइवोर्स के लिए रखेंगे तो डाइवोर्स देना कोई आसान की बात नहीं, किसी पौधे को रोपना आसान है, झाड़ बनने के बाद खींचना अलग है, उखाड़ फेंक देना मामूली सी बात नहीं। विवाह करने तक ही प्रयत्न, एक बार विवाह हो गया उसके साथ संबंध तोड़ना, जुड़ाना ही हमारा काम, तोड़ने कोई नहीं कर सकता है, सरकार है, समाज है, लोग है, जितने मुंह है उतनी बातें होंगी। पत्नी का एक अधिकार होता है, पत्नी पर पति का एक अधिकार होता है, अपने हक से, अपने अधिकार से कोई महिला अपने पति के हाथ पकड़कर खींच के ले जाती है कि मेरे पति को आप नहीं रोक सकते हैं, है उसको अधिकार। किसी पत्नी के हाथ को पकड़कर खींच ले आ जाता है कोर्ट से कि ये मेरी पत्नी है, उसके बारे में कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक बात है, वो अधिकार केवल पत्नी को, केवल पति को है, दूसरों को नहीं। हां, हो सकता है कि अन्य देशों में बहुत सारी पत्नियां हैं, अगर एक ही पत्नी के साथ कोई जीवन गुजारते हैं, जैसे कि अपने अपने देशों का गौरव कर सभ्यता के अनुसार, आत्मा के अनुसार, कुछ लोग पाश्चात्य के लोग हो, पौरात्य के लोग हो, या दूसरे दोस्त कभी कभी हंसा भी किया करते हैं, ऐसा सुनता हूं, मगर सही बात तो मैं भी नहीं जानता हूं, कर एक ही पत्नी से इतने साल, क्या बात है ये, नहीं, सदा सदा के लिए एक पत्नी, अंतिम सांस तक एक ही पत्नी होती है हमारी। विवाह बंधन केवल शारीरिक बंधन समझना एकदम गलत है, वो युवावस्था तक ही सीमित है। विवाह का संबंध, पत्नी का संबंध देह से भी मन से अधिक है, इस पर कृपया ध्यान दीजिएगा।